दोस्तों बीसीसीआई ने कल ही आयरलैंड के खिलाफ जो टी20 मैच खेले जाने वाला है उसके लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है और यहां पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह कैप्टन बनने वाले हैं। इंडिया वर्सेस आयरलैंड के बीच में 3 टी20 मैच होने वाले हैं जो कि 18, 20 और 23 अगस्त को होने वाले हैं और ये मैच आयरलैंड के कैपिटल डबलिन में ही होने वाला है। अब अगर टीम की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह यहां पर कैप्टन है, उसी के साथ में ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन बनाया गया है, उन्हीं का साथ देंगे यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह को यहां पर मौका मिला है और संजू सैमसन जिन्हें की पिछली बार टीम से बाहर रखा गया था, अब की बार उन्हें आयरलैंड के खिलाफ पूरी तरीके से मौका दिया जा रहा है और संजू सैमसन विकेटकीपर रहेंगे, उन्हीं के साथ में जीतेश शर्मा एक और विकेटकीपर के तौर पर यहां पर खेलने वाले हैं। शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुधर, शाहबाज अहमद, रवि बिश्नोई और प्रसिद्ध कृष्णा के साथ में ही दोस्तों अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान, ये है वो पूरी टीम जो कि आयरलैंड जाकर टी20 खेलने वाली है। अब इस टीम में आपने देखा कि हार्दिक पंड्या और कप्तान रोहित शर्मा के साथ ही विराट कोहली और रविंद्र जाडेजा जैसे सीनियर प्लेयर्स नहीं शामिल किए गए हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अगस्त और सितंबर में अभी एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, इसी वजह से इन बड़े बड़े प्लेयर्स को यहां पर रेस्ट दिया गया है और बाकी के जो भी नए और यंग प्लेयर्स हैं उन सभी को यहां पर आयरलैंड के लिए मौका दिया जा रहा है। अब देखना ये रहेगा कि इतने दिनों बाद जब जसप्रीत बुमराह अपनी चोट से ठीक होकर वापस पहुंचे हैं तो क्या वो कप्तानी करते हुए बॉलिंग भी शानदार तरीके से कर पाएंगे या नहीं, ये सब चीजें देखनी रहेगी। और दोस्तों यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को वाइस कैप्टन इसलिए बनाया गया है क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों में एशियन गेम्स होने वाले हैं जिसके लिए इंडिया की क्रिकेट टीम चाइना जाकर खेलने वाली है और उस टीम के कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ बनने वाले हैं, इसीलिए उन्हें वाइस कैप्टन बनाकर प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि जब वो चीन जाकर एशियन गेम्स में क्रिकेट खेले तो वो कप्तानी अच्छे से कर पाए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।